ओम शांति। 23/6 के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? जवाब है, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं, हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते हैं, वहाँ तो राजा रानी यथा प्रजा, जो यहाँ का पुरुषार्थ किया उसके प्रालब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। ओम शांति। आज की मेन पॉइंट्स हैं, बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय यहाँ कोई आ नहीं सकता है। जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। अब जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उसी अनुसार ही हम अपनी प्रालब्ध भोगते हैं। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर कहते हैं, मैं सबको दुखों से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूँ। वहाँ जाकर फिर नए से राय बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। बाबा कहते, यहाँ भल कोई पदमपति करोड़पति हो गए हैं, यह सब रावण का बड़ा पंप है, यहाँ सब ललचायमान हो गए हैं। बाबा समझाते, ये झूठी कमाई है, सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहे, सबका सदगति दाता सतगुरु मैं ही हूँ, साधुओं का पतितों का सबका उद्धार मैं करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चीज़ें भूल जाओ। बाप का फरमान है, मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। अब तुमको स्मृति आई है, स्मृति लब्धा अक्षर अभी का है, इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर कोई संस्कृति में गीता सुनाई। नहीं, बाबा कहते मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूं जो दूसरों को समझ नहीं आएगी। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा भी निराकार है, परे ते परे रहने वाली आत्मा, परमात्मा का अर्थ ही है परमात्मा। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ पर साइंस वालों को कितना घमंड है, कितनी चीज़ें एरोप्लेन आदि बनाते सुख के लिए, ये सब चीज़ें विनाश करेगी। तुम हो गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसी को भी दुख नहीं देते हो। बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख देता है क्या? सुख धाम का मालिक बनाता है, तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख हो रहना है, योग में रह के मुस्कुराते रहना है, ये ड्रामा बना बनाया है। तुम ज्ञान से हेल्दी वेल्दी बनते हो, हेल्थ वेल्थ सुख सब मिल जाता है। अगर आप बाप की याद में ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह बल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गवाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान सुखदाता बनना है, मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है, सदा शांत चित और हर्षित मुख रहना है। वरदान, श्रेष्ठ मत परमान, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत परमान हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं, कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता।
सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आज का स्वमान है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। प्रश्न है, अनुभवों की अथॉरिटी बनने से क्या फायदा होगा? दूसरा प्रश्न है, कर्म बंधन मुक्त कैसे बन सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, टाइम वेस्ट किसको कहा? छोटे बच्चों को भी क्या सिखाना है? और लास्ट प्रश्न, ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे कैसे हैं?